Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Free College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss types of objective tests. Earlier, I have discussed essay type items, essay type test, and this time I am going to discuss objective type test and their types. So, objective tests, objective test items. Objective test items are items that can be objectively scored item on which persons select a response from a list of options. W. Wiersma ने इस तरह से define किया objective type test को कि ये इस तरीके के items हैं जिनको कि objectively scored item यानी कि उसमें जो हर प्रश्न है उसकी जो scoring होगी वो objectively होगी और जो व्यक्ति है जो student है individual है वो एक list of options में से select करेगा एक response को ये objective type test का तरीका है it requires students to select the correct response from several alternatives or to supply a word or short phrase to answer a question or complete statement ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के लिए मतलब क्या करना होता है विद्यार्थियों को objective type test में या तो कई alternative हमारे पास होते हैं उसमें से हम एक correct response चुनते हैं या fill in the blanks type का होता है उसमें एक word या short phrase हम करते हैं या हम complete करते हैं statement को या हम true false करते हैं तो ये ही इसके types हैं जैसे multiple choice जो कि सबसे ज़्यादा common है MCQs बहुत सारा हम सब लोगों ने किया कराया है true false ये भी objective type test है मैचिंग हमको मैच करने में मैच दी फॉलोइंग ऊपर नीचे लिखा है हमको मिलाना है कौन किसके साथ है एंड कंप्लीशन टाइप जिसको फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं कि इंडिया हैज गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर तो आपको बताना है 1947 इस तरीके तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर स्पेशली अप्रोप्रिएट में कब इसको बनाया जाए ऐसे टाइप को तो कब बनाया गया था जब क्लास स्मॉल हो और हमको रीयूज ना करना हो इसमें देखिए द ग्रुप टू बी टेस्टेड इज लार्ज एंड द टेस्ट मे बी रीयूज्ड एक बार मन से मेहनत से अच्छे से बना लीजिए और आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं और बहुत लंबी बड़ी पॉपुलेशन पे यूज कर सकते हैं बनाने में टाइम टेकिंग है बट खट 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 चेक हो जाएगा सही पे एक गलत पे जीरो इसमें आपकी स्कोरर रिलायबिलिटी ज्यादा होती है हाईली रिलायबल टेस्ट स्कोर्स आ गया नंबर मस्ट बी ऑपरेटेड एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल इम्पार्शियलिटी ऑफ इवेल्युएशन जो चेक कर रहा है उसका कोई बायस उसमें नहीं आएगा वो इम्पार्शियल रहेगा किसी ने भी किया हो एब्सोल्यूट फेयरनेस इसमें कोई दिक्कत नहीं है फेयर होगा सारा काम फ्रीडम फ्रॉम पॉसिबल टेस्ट स्कोरिंग इन्फ्लुएंस कौन चेक कर रहा है इससे डिपेंड नहीं करता आपने सही किया है तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे देयर इज मोर प्रेशर फॉर स्पीडी रिपोर्टिंग ऑफ स्कोर्स देन फॉर स्पीडी टेस्ट प्रिपरेशन टेस्ट बनेगा नहीं जल्दी लेकिन अगर आपको जल्दी से चेक करके नंबर देना है तो ये काम हो जाएगा क्योंकि हमको पता है सही आंसर क्या है ए बी सी डी वैसे चेक करते जाइए वैसे नंबर देते जाइए ठीक है फिर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं वही टाइप्स हम देख लेते हैं सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे फिर ट्रू फॉल्स देखेंगे फिर मैचिंग देखेंगे फिर कंप्लीशन टेस्ट आइटम देखेंगे और इस तरह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम खत्म हो जाएगा तो मल्टीपल चॉइस के देखिए दो पार्ट्स होते हैं दी स्टेम स्टेम जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है विच आइडेंटिफाइज द क्वेश्चन और प्रॉब्लम एंड द रिस्पॉन्स ऑल्टरनेटिव और जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो रिस्पॉन्स ऑल्टरनेटिव है स्टूडेंट्स आर आस्क टू सेलेक्ट द वन ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट कंप्लीट द स्टेटमेंट और आंसर द क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्यार्थियों से ये कहा जाता है कि कई ऑल्टरनेटिव में से वो एक सेलेक्ट करें जो कि बेस्ट उस आंसर को कंप्लीट कर रहा हो तो इसके लाभ क्या क्या हो जाएंगे वर्सेटैलिटी इन मेजरिंग ऑल लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी आपसे नॉलेज रेप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन थोड़ा मुश्किल है पर पूछा जा सकता है सारे लेवल के सवाल हाईली रिलायबल है इफिशियंसी इसकी है स्कोरिंग में ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होगा बच्चे का वाइड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है इट रिड्यूस्ड गेसिंग फैक्टर व्हेन कंपेयर टू ट्रू फॉल्स के कंपेरिजन में गेसिंग फैक्टर कम है ऐसे के कंपैरिजन में गेसिंग फैक्टर ज्यादा है ट्रू फॉल्स के कंपैरिजन में कैसे कम है ट्रू फॉल्स हमें आपसे एक सवाल पूछा यस और नो 50% तो वैसे ही हमको पता है वो आंसर मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता उसके बारे में तब भी हो सकता है हमारा तुक्का सही लग जाए तो दो में से ही चुनना है यहाँ तो चार में से चुनना है इसलिए गेसिंग फैक्टर यहाँ थोड़ा कम हो जाता है डिफरेंट रेस्पॉन्स ऑल्टरनेटिव दैट कैन प्रोवाइड डायग्नोस्टिक फीडबैक देखिए कई बार क्या होता है जिसको डिस्ट्रैक्टर भी कहते हैं ये शब्द इसमें यहाँ नहीं लिखा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई प्रश्न बनाया और उसका ऑप्शन ए सही है लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने डी लगाया उसका आंसर है ना तो आपको एक फीडबैक मिल जाएगा क्यों बच्चे ये हर बार यही सवाल गलत कर रहे हैं इसका मतलब कि कुछ आपको यहाँ दिक्कत है बताने में आप उसको दोबारा से बता दीजिए तो ये भी एक इसका फायदा है
फिर लिमिटेशंस क्या है इसकी, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट, आप नहीं 2 मिनट में नहीं बना सकते, आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, समय लगता है बनाने में. लीड एन इंस्ट्रक्टर टू फेवर सिंपल रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, कई बार हमने कुछ नहीं हम उसके बारे में जानते पर हमको बस रिकॉल फैक्ट को करके भी सही आंसर पर टिक कर सकते हैं. प्लेस अ हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन द स्टूडेंट्स रीडिंग एबिलिटी, देखिए उसमें आपका कोई रोल है नहीं, आपको बच्चे आपने बच्चे को दे दिया वो खुद ही पढ़ेगा, खुद ही उसके इंस्ट्रक्शंस देखेगा, खुद ही देखेगा कैसे पढ़ना. तो जो बच्चों की रीडिंग एबिलिटी अच्छी वो तो अच्छा स्कोर करेंगे और जो नहीं है वो बेकार स्कोर करेंगे इसमें, क्योंकि डिपेंडेंस रीडिंग एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा है. फिर सजेशंस कैसे आप बढ़िया मल्टीपल चॉइस आइटम्स बना सकते हैं, व्हेन पॉसिबल स्टेट द स्टेम एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन रादर देन एज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, कोशिश कीजिए कि जो हमारा स्टेम है वो हम डायरेक्टली पूछें. प्रेजेंट ए डेफिनेट एक्सप्लिसिट एंड सिंगुलर क्वेश्चन और प्रॉब्लम इन दिस स्टेम, कोशिश करें कि एक बार में एक ही प्रश्न पूछें, कई प्रश्न मिला के एक साथ ना पूछें. इलिमिनेट एक्सेसिव और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्टेम, जो हमारा स्टेम है उसको चाहे कोशिश करें कि एक्सेसिव और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें ना हो, छोटा हो, स्पष्ट हो, कंसाइज हो. इंक्लूड इन दिस स्टेम एनी वर्ड दैट माइट अदरवाइज बी रिपीटेड इन ईच ऑल्टरनेटिव, जैसे आपको लिखना है ऐसे आइटम्स आर, तो आर को आप स्टेम में लिख दीजिए, नीचे हर बार आर 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 से मत शुरू करिए, ये कह रहे हैं. यूज नेगेटिवली स्टेटेड स्टेम्स स्पेरिंगली, कई बार क्या होता है हम लोगों ने भी कई बार ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए जिसमें हम ये ध्यान ही देते थे कि अरे ये नॉट पूछा है, जैसे इसमें से कौन इसका गुण नहीं है, तो बच्चे जनरली नहीं को ओवरलुक कर देते हैं. तो जब भी आप नहीं पूछिए तो उसको या तो अंडरलाइन करिए, ये कैपिटल करिए, बोल्ड करिए, जिससे बच्चे को पता चल जाए कि आपको क्या आंसर करना है, तो आप जान मतलब बच्चे की गलती होने से बच जाए, ये आपको ध्यान देना है, तो बढ़िया आप क्वेश्चन बना पाएंगे. और मेक ऑल ऑल्टरनेटिव प्लॉजिबल एंड अट्रैक्टिव टू द लेस नॉलेजेबल और स्किलफुल स्टूडेंट, और मिलते जुलते बनाए, ये नहीं कि एक आप एक मान लीजिए आप कोई भी ईयर पूछ रहे हैं तो सारे आपने 1980 1990 2000 2010 इस तरह से लिखिए, या ऐसा नहीं कि कोई 1670 है कोई 1980 है, तो इतना तो गेस कर लेगा बच्चा कि 1670 तो नहीं हो सकता इतनी पुरानी बात. तो मतलब हमको हर आंसर लगे उसको कि ये सही है ये सही है, अगर उसने नहीं पढ़ाया तो उसके लिए मुश्किल मतलब हो, तब तो वो मज़ेदार बनेगा. ठीक है, फिर और इसके सजेशन क्या है, मेक द ऑल्टरनेटिव्स ग्रामेटिकली पैरेलल विद ईच अदर एंड कंसिस्टेंट विद दिस स्टेम, ग्रामेटिकली सही हो. कई बार क्या होता है हम लोगों ने भी कई आंसर ऐसे सही किए हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, जैसे वो पूछ रहा है कि कुछ भी, ही इज एन, अब एन लगा दिया आपने और नीचे लिख दिया ओरेटर, क्रिकेटर, सिंगर, इस तरह से, तो सबको पता है कि ए ई आई ओ यू के साथ एन लगता है तो वो ओरेटर को टिक कर देगा, जबकि उसको कुछ नहीं पता है. तो आपको इस तरह से नहीं बनाने हैं प्रश्न. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखिए ऑल्टरनेटिव्स को. व्हेन पॉसिबल प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव्स इन सेम लॉजिकल ऑर्डर से, चलिए ये नहीं कि ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा, नहीं एकदम साफ सुथरा लॉजिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उसको बताइए. बी श्योर दैट देयर इज ओनली वन करेक्ट और बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेम, कई बार देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है कि दो आंसर एकदम लगता है ये भी सही ये भी सही है, तो हमको इस तरह से प्रश्न नहीं बनाना, एकदम क्लियर कट होगी यही सही आंसर है. फिर मेक ऑल्टरनेटिव एप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ, को इतना छोटा को इतना बड़ा ना बनाइए, लगभग एक बराबर लेंथ के हूँ. अवॉइड इररिलेवेंट क्लूज सच एज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जिसकी बात अभी कर रही थी, वेल नोन वर्बल एसोसिएशंस और करेक्शंस बिटवीन दी कनेक्शंस होना चाहिए था between the stem and answer. Use at least 4 alternatives for each stem to lower the probability of getting the item correct by guessing. कम से कम 4 आप alternative रखिए. Randomly distribute the correct response among the alternative positions throughout the test, having approximately the same proportion of alternatives. ऐसा नहीं करिए कि सबका A सही है, तो अगर बच्चे ने तुक्का भी लगाया तो भी उसका सही हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं करना है आपको. A, B, C, D में आपको ये randomly distribute करना है. फिर none of the above and all of the above को मुश्किल से यूज करना चाहिए, क्योंकि none of the above अगर उसको लग रहा हो कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है, और अगर आपने none of the above भी कर दिया है तो वो मान ही लेगा कि तीसरा भी फिर नहीं ही होगा, या all of the above से भी यही चीज़ हो जाती है. मतलब हमको guess factor, chance factor इन सबको कम करना है, तब तो हमारा मल्टीपल चॉइस आइटम अच्छा माना जाएगा. फिर ट्रू फॉल्स में, अ ट्रू फॉल्स आइटम कैन बी रिटन इन वन ऑफ थ्री फॉर्म्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. वो कह रहा है कि अगर आपको ओनली टू चॉइसेस हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स, तो वो सिंपल है. मोर देन टू चॉइसेस आपने रखी हैं कि ट्रू फॉल्स अनसर्टेन ऐसा कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, और टू चॉइसेस प्लस अ कंडीशनल कंप्लीशन रिस्पॉन्स भी आपने पूछ लिया तो ये कंपाउंड टाइप का ट्रू फॉल्स आइटम हो जाएगा. जनरली हम लोगों से ट्रू फॉल्स ही पूछा जाता है सिंपल वाला. ट्रू फॉल्स आइटम्स कैन प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, लाभ क्या है इसके, वाइडेस्ट सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स पर यूनिट ऑफ टेस्टिंग टाइम, है ना, बहुत सारा कुछ पूछा जा सकता है इस पे. इफिशियंसी और एक्यूरेसी स्कोरिंग की रहेगी, सॉरी,
ऑल लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, वर्सेटैलिटी है इसमें, ये भी रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है, वैसे ही जैसे मल्टीपल चॉइस में था। लिमिटेशंस हैं इसकी, इनकॉर्पोरेट ट्रू फॉल्स आइटम्स, इनकॉर्पोरेट इन एक्सट्रीमली हाई गेसिंग फैक्टर। वही हमने कहा ना कि 50% तो आपको सवाल पता ही है, या तो सही होगा या गलत होगा, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो भी हो सकता है आप सही आंसर पर टिक कर दें। कैन ऑफन लीड एन इंस्ट्रक्टर टू राइट एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट्स दैट आर अनइक्विवोकली ट्रू और फॉल्स। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि हम वैसा बना ही ना पाए प्रश्न जो या तो सही या गलत हो, है ना, या हम कभी कभी एम्बिगुअस बना देते हैं, मतलब उसमें समझ ही नहीं आता, भाषा गलत है उसकी। कैन ऑफन इंक्लूड मोर इररिलेवेंट क्लूज देन डू अदर आइटम टाइप्स। इसमें अक्सर हम लोग इररिलेवेंट क्लूज दे देते हैं जो कि अदर आइटम टाइप्स में नहीं रहती हैं। तो ये सब इसकी लिमिटेशन है। और सजेशन कैसे आप ट्रू फॉल्स टेस्ट आइटम बढ़िया बना सकते हैं, बेस्ट बेस्ड ट्रू फॉल्स आइटम्स अपॉन स्टेटमेंट दैट आर एब्सोल्युटली ट्रू और फॉल्स विदाउट एक्सेप्शन। हमको एक्सेप्शन वाला सवाल इसमें नहीं पूछना है कि उसका क्या एक्सेप्शन, अपवाद, उसका अपवाद संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछना, या तो वो सही है या गलत है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ट्रू, में कोई अपवाद नहीं है। एक्सप्रेस द आइटम स्टेटमेंट एज सिंपली एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल। कोशिश करें कि हम जो स्टेटमेंट है वो जितना सिंपल और क्लियर लिख सकें। एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया इन ईच टेस्ट आइटम। हर टेस्ट आइटम में हमको सिर्फ एक आइडिया एक्सप्रेस करना है। इंक्लूड एनफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन सो दैट द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड करेक्टली टू द आइटम्स डज नॉट डिपेंड ऑन सम स्पेशल अनकॉमन नॉलेज। मतलब जो हम ट्रू फॉल्स का हमने स्टेटमेंट दिया है उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमको क्लियरली देना चाहिए, क्लियर, ताकि बच्चे को कोई इसमें शक शुबह ना हो। अवॉइड लिफ्टिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, लेक्चर और अदर मटेरियल सो दैट मेमोरी अलोन विल नॉट परमिट अ करेक्ट आंसर। मतलब जैसे मान लीजिए चैप्टर आपका शुरू हो रहा है जिस लाइन से, वही हमने ट्रू फॉल्स में दे दिया, तो क्या हुआ उसकी मेमोरी, उसने लिफ्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट एज, मतलब जैसा टेक्स्ट में लिखा है वहीं से उठा के आप ट्रू फॉल्स में मत दे दीजिए, वरना वो सिर्फ स्मृति के आधार पर सही बता देगा। अवॉइड यूजिंग नेगेटिवली स्टेटेड स्टेम स्टेटमेंट, नॉट, मतलब डबल नेगेटिव ना मत बनाइए ना कि आप पूछ रहे हैं कि ये ट्रू फॉल्स है और उसमें भी नॉट लगा दिया आपने, तो कोशिश कीजिए नेगेटिवली स्टेटमेंट ना पूछें। अवॉइड द यूज ऑफ अनफेमिलियर वोकैब, कोई ऐसी वोकैब उसमें मत पूछिए जो अनफेमिलियर हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना पता हो। फॉल्स आइटम्स टेंड टू डिस्क्रिमिनेट मोर हाईली देन ट्रू स्टेम्स। तो ये सारी इसके सजेशंस हैं जिससे आप उससे बढ़िया बना सकते हैं। मैचिंग टेस्ट आइटम, जब हम मैच दी फॉलोइंग बनाते हैं तो क्या होता है, इन जनरल मैचिंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ ए कॉलम ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एग्जाम पेज एंड ए कॉलम ऑफ रिस्पॉन्सेज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। यानी कि एक तरफ हमने लिख दिया है कि जिससे जिसको मिलाना है और स्टूडेंट्स को आपस में मिलाना है। तो इसके लाभ क्या है कि रिक्वायर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रीडिंग एंड रिस्पॉन्स टाइम अलाउइंग मी टू कवर मोर कंटेंट। इसमें बहुत सारा कंटेंट पूछा जा सकता है। प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इसमें भी है, रिलायबल टेस्ट स्कोर ये भी है, स्कोरिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इसमें भी है। और लिमिटेशंस इसकी क्या है, हैव डिफिकल्टी मेजरिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायरिंग मोर देन सिंपल रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन। जनरली हम इसमें सिर्फ रिकॉल ही पूछ सकते हैं। डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग ए कॉमन सेट ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। यानी कि एनिमल, उनके उनके साउंड्स, एनिमल, उनके होम, मतलब बच्चों के लेवल का बता रही हूँ, तो आपको एक तरीके के स्टेम और उनके अल्टरनेटिव चाहिए, तो ये स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स चाहिए, तो थोड़ा डिफिकल्ट है इसको बनाना। और सजेशंस कैसे आप इसको बेहतर बना सकते हैं, इंक्लूड डायरेक्शंस दैट क्लियरली स्टेट द बेसिस फॉर मैचिंग द स्टिमुलाई विद द रिस्पॉन्सेज। आपको स्पष्ट डायरेक्शन देना होगा जिससे कि स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स मिलाया जा सके। आपको होमोजीनियस मटीरियल देना होगा, ये नहीं कहीं गुप्तकाल चल रहा है तो कहीं पुरातत्व का, मतलब एकदम प्राइमरी प्रिमिटिव स्टेज पे हैं, फिर कहीं मिडिल स्टेज पे हैं, फिर मॉडर्न स्टेज पे, सब मिलाइए नहीं, होमोजेनियसली पूछिए एक तरह, ताकि बच्चे में कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो, वरना कुछ चीज़ें तो अपने आप कट जाएंगी कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हटाओ ये आपस में मिल जाएगा। अरेंज द लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज इन सब सिस्टमैटिक ऑर्डर इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो सिस्टमैटिकली आप रिस्पॉन्स मिलाइए। अवॉइड ग्रामेटिकल और अदर क्लूज, यहाँ भी चलेगा। कीप मैचिंग आइटम्स ब्रीफ, छोटा रखिए। इंक्लूड मोर रिस्पॉन्सेज दैन स्टिमुलाई टू हेल्प प्रिवेंट आंसरिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कई बार देखिए क्या होता है, अगर चार स्टेम है और चार स्टिमुलाई और चार रिस्पॉन्स है, तो दो हमको पता है या तीन भी पता है तो चौथा तो अपने आप मिल जाएगा, है ना, क्योंकि यही बचा ये से मिल जाएगा। तो अब हमको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सेज ज्यादा रखिए, चार है तो छह रखिए, तो गेस फैक्टर को आप इलिमिनेट कर सकते हैं। व्हेन पॉसिबल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रीडिंग टाइम बाय इंक्लूडिंग ओनली शॉर्ट फ्रेजेस और सिंगल वर्ड्स इन द रिस्पॉन्स लिस्ट। ठीक है, कंप्लीशन टेस्ट आइटम, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक की बात हो रही थी। कंप्लीशन आइटम यानी कि हमको सब पूर्ण करना है, अधूरा दिया गया आपको पूर्ण करना है। तो कंप्लीशन आइटम रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू आंसर ए क्वेश्चन और टू फिनिश एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन ए ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड और फ्रेज। हमको सही शब्द या फ्रेज से फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट करना है। तो एडवांटेज क्या है, वाइड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट आप कवर कर सकते हैं, लोअर लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी को एफिशिएंटली मेजर कर सकते हैं,
गेसिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है. हम लोग को फिलिंग इन ब्लैंक्स दिया जाए तो हम लोग सोचते थे भगवान ऑप्शन मिल जाता तो सही कर लेते, है ना, क्योंकि हमको मिल जाता है देखने के लिए कि ये हो सकता है. तो ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइसेस में गेसिंग बहुत कम है. और ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट यहाँ भी होगा. लिमिटेशंस क्या है, डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, है ना, क्योंकि आपको खुद देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किसको फिलिंग इन ब्लैंक के रूप में छोड़ना है. डिफिकल्टी मेजरिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर्ड मोर देन सिंपल रिकॉल. सिंपल रिकॉल के अलावा कुछ भी पूछना इसमें डिफिकल्ट है, ये बात है. कैन ऑफन इंक्लूड मोर इररिलेवेंट क्लूज, इसमें कई बार हम खुद ही क्लू दे देते हैं बच्चे को. मोर टाइम कंज्यूमिंग टू स्कोर, चेक करने में आपको ज्यादा समय लगेगा. मोर डिफिकल्ट टू स्कोर सिंस मोर देन वन आंसर मे हैव टू बी कंसीडर्ड करेक्ट इफ द आइटम वॉज नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड. आपने अगर आंसर को आइटम सही नहीं बनाया है तो एक से ज्यादा भी सही होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा, सबको नंबर देने पड़ेंगे. इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक और सिर्फ एक ही सटीक आंसर हो जो वहां फिल इन द ब्लैंक में आए. सजेशंस कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, ओमिट ओनली सिग्निफिकेंट वर्ड्स फ्रॉम द स्टेटमेंट. केवल सिग्निफिकेंट वर्ड को स्टेटमेंट में से गायब करिए ना, ये नहीं कि किसी भी इज आर एम को गायब कर दिया तो उसका मतलब क्या है. सिग्निफिकेंट वर्ड्स को ओमिट कीजिए, तब आपका बढ़िया कंप्लीशन टेस्ट आइटम बनेगा. डू नॉट ओमिट सो मेनी वर्ड्स फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट द इंटेंडेड मीनिंग इज लॉस्ट. ऐसा नहीं है कि हर दो अक्षर के शब्द के बाद आपने शब्दों के बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया तो वर्ड की जो सेंटेंस की मीनिंग ही लॉस्ट हो जाएगी, तो बच्चा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेगा. कोशिश कीजिए एक को, कोशिश कीजिए आखिरी में फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना हो. Avoid grammatical clues को, be sure that there is only one correct response. Make the blanks of equal length. When possible, delete words at the end of the statement. यानी कि जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दीजिए, है ना. और Avoid lifting statements directly from the text. इसमें भी है as usual, किताब से उठा के मत ले लीजिए. Limit the required response to a single word or phrase. तो इस तरह से करेंगे तो बढ़िया बनेगा. तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में स्कोरिंग बढ़िया है, रिलायबिलिटी है, इफिशियंटली आप मेजर कर सकते हैं. बस थोड़ा सा बनाने में समय लगता है और जनरली हमको लगता है कि सिर्फ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, बट मैचिंग टाइप भी है, ट्रू फॉल्स भी है, कंप्लीशन भी है. तो जनरली ये चार प्रकार के प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप की श्रेणी में आते हैं. तो आपसे चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में पूछा जाए, चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव और टाइप टेस्ट का कंपेरिजन पूछा जाए, आई थिंक that now you will be more clear about the concept and the difference between the essay type test and objective type test. Okay, so in this way I have completed this very topic. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.